तो दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। मेरा नाम है मानशु और आज बात करने वाला हूँ रेनॉल्ड क्विड 2018 के बारे में। दोस्तों क्विड एक ऐसा नाम है जो कि रेनॉल्ड इंडिया के सक्सेस के पीछे एकदम छुपा हुआ है। मतलब क्विड लॉन्च होने के पहले रेनॉल्ड साल में जितनी गाड़ियाँ बेच रहा था, क्विड लॉन्च होने के बाद वो हर महीने उतनी गाड़ियाँ बेचने लगा। तो कहीं ना कहीं क्विड के पीछे एक मतलब बहुत बड़ा एक सक्सेस छुपा हुआ है रेनॉल्ट इंडिया का। जी तो क्विड बहुत सारे वेरिएंट में लॉन्च होने लगा। पहले 800 सीसी में आता था, फिर 1.0 में आने लगा, अभी फेसलिफ्ट वेरिएंट आप देख रहे हैं। तो आज मैं बताऊंगा कि क्या क्विड रेनॉल्ट क्विड 2018 में ख़रीदनी चाहिए, क्या रेनॉल्ट क्विड वैल्यू फॉर मनी है, क्या मेंटेनेंस कॉस्ट है रेनॉल्ट क्विड का, साथ में बिल्ड क्वालिटी कैसी है, सब कुछ बताऊंगा। अगर मेरे भैया के पास सेम कलर की एक रेनॉल्ट क्विड है पर वो फेसलिफ्ट नहीं है, पुराने वाला है। सो मैं फुल यहाँ पर अपना ओपिनियन दूंगा, जितना भी मैं कार के बारे में जानता हूँ, कार्स के बारे में मैं जितना भी जानता हूँ, रेनॉल्ट क्विड के बारे में मैं जितना भी जानता हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहले लुक्स की बात करें तो इसका लुक्स ही इसका मेन जो है सेलिंग पॉइंट है, जिसको हम MSP बोलते हैं। इसका MSP जो है मेन जो है वो है इसका लुक्स, जो कि फुल SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ये कहीं से भी हैचबैक नहीं लगता, SUV लग रहा है। और अभी तो ये नीचे की तरफ डायमंड कट्स जो यहाँ पर दिया गया है वो बहुत ही बढ़िया लग रहे हैं। पहले नहीं आता था, अभी क्रोम के डायमंड कट्स दिए गए हैं, सो वो देख के तो और भी बढ़िया लगता है। फॉग लैंप्स आपको साथ में मिलेंगे जो कि और खूबसूरत बना देता है इस गाड़ी को। पीछे की तरफ से देखें तो टेल लाइट भी बहुत खूबसूरत है, साथ ही साथ में ऊपर की तरफ आपको एक जो है बढ़िया सा डिफोगर मिलता है, साथ ही साथ में काफ़ी बढ़िया है पीछे की तरफ का जो लुक। और बिल्कुल जो है क्रोम में रेनॉल्ट का लोगो है, साथ ही साथ में क्विड लिखा गया है, मतलब दूर से लोग पहचान लेंगे देख के। साइड की तरफ पहले तो जो 1.0 वाला निकला था वो कुछ जो है पहले कुछ अलग स्टाइलिंग आता था 1.0 लिख के, पर अभी फिलहाल क्विड लिख के आ रहा है। और सबसे मेरे को इसकी अच्छी चीज़ लगती है इसके सिल्वर वेरियंट में जो कि मेरे भैया के पास है, वो है इसका जो स्टील व्हील्स है, वो स्टील व्हील्स के कवर्स भी ब्लैक है और स्टील व्हील्स भी ब्लैक है, जो कि मेरे को बहुत पसंद है इस गाड़ी के ऊपर। ओवरऑल स्टाइलिंग बहुत अच्छी है, 180 mm की ग्राउंड क्लियरेंस मिलती है, मतलब हर तरफ से SUV इंस्पायर्ड डिज़ाइन है, हैचबैक है और 180 mm की जो ग्राउंड क्लियरेंस है, इससे इसको आप ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं इस गाड़ी में। अब उतना तो नहीं पर ऑफ रोडिंग आप कर सकते हो, गांव के रास्ते में आप इसको आराम से चला सकते हो। देख सकते हो स्टील व्हील्स कितना बढ़िया दिख रहा है, मैंने जैसे कि आपको बताया था। तो ओवरऑल गाड़ी ये पहले वाला था, फेसलिफ्ट नहीं है ये, फेसलिफ्ट से मैं डिफरेंस आपको दिखाता हूँ। ORVMs जो होते हैं आउटसाइड रियर व्यू मिरर्स, वो उसके जो डिफरेंस है वो है। साथ ही साथ में फ्रंट की तरफ जो ग्रिल्स है उसमें तो पूरा का पूरा मतलब बहुत डिफरेंस है, ये आप देख सकते हो। टेल में यानी कि पीछे की तरफ उतना कुछ डिफरेंस नहीं है, साइड में जो डिफरेंस है वही है और कुछ ज़्यादातर डिफरेंस नहीं है। तो ये देख सकते हो आप क्लाइंबर वाला वेरिएंट, इसमें भी सेम डिफरेंस आया है सामने की तरफ, बाकी पूरा का पूरा गाड़ी सेम रहा है। क्लाइंबर वाला वेरिएंट भी मेरे को बहुत पसंद है, तो आप देख सकते हो। और कुछ ज़्यादा ये देखो साइड में ये वाला ग्राफिक्स पहले आता था। तो अभी इंटीरियर की बात करें तो इसका जो मेन MSP है वो है इसका एक्सटीरियर, वो मैं मानता हूँ SUV स्टाइलिंग, पर साथ ही साथ में थोड़ा सा MSP जो यहाँ पर लग जाता है वो है इसके इंटीरियर में जो मेन जो टच स्क्रीन डिस्प्ले आपको देखने को मिलता है, उतना मतलब टच रिस्पॉन्सिव नहीं है या फिर कुछ ज़्यादा आपको फीचर्स नहीं मिलते, पर जितना भी दिया है रेनॉल्ट इंडिया ने वो भी कोई नहीं देता हैचबैक सेगमेंट में। 5 लाख के अंदर में किसी भी गाड़ी में इतनी अच्छी इंटीरियर आपको देखने को नहीं मिलेगी। स्टीयरिंग व्हील्स एक अलग बात है, क्रोम की डिज़ाइन है, डिजिटल आपको जो है स्पीडोमीटर मिलता है, डिजिटल स्पीडोमीटर, साथ ही साथ में आपको टच स्क्रीन डिस्प्ले, AC के जो नॉब्स है वो क्रोम में हैं, सामने की तरफ डुअल पावर विंडो, सेंटर लॉक का एक बटन दिया गया है अंदर की तरफ, और 1000 लाइट यानी कि जिसको हम 4 इंडिकेटर बोलते हैं उसका। अब आपको मैनुअली ORVMs को एडजस्ट करना पड़ेगा, तो देख सकते हैं आप कितना बढ़िया है। तो ये तो पहले वाला था, अब नया वाले जो आपको अगर आप RXT वेरिएंट लेते हैं तो RXT वेरिएंट में आपको सिर्फ और सिर्फ रियर व्यू कैमरा मिलेगा, रियर व्यू कैमरे के साथ वो आता है। और अगर आप क्लाइंबर वाला वेरिएंट लेते हैं तो वहाँ पर आपको पीछे की तरफ एक हैंड रेस्ट भी मिलेगा, ऐसे पीछे की तरफ आपको एक हैंड रेस्ट भी मिल जाएगा। तो चलिए वेरिएंट को हम लोग एक्सप्लोर करते हैं और प्राइस बता देते हैं आपको। सो पहले ही हमारा जो वेरियंट आ जाता है, मैं 800 cc वाले वेरियंट्स को नहीं बताऊँगा बिकॉज वो मेरे को पसंद ही नहीं है यार। सो 1.0 का RXL एडिशन एक आता है, उसका अगर ऑन रोड प्राइस की हम लोग बात कर ले तो उसका जो ऑन रोड प्राइस कोलकाता में है वो है 4,48,000, आप बोल सकते हो 4,48,490। सो
ज़्यादा है यार प्राइस मेरे को लग रहा है, बिकॉज़ ये वेरिएंट उतना कुछ खास नहीं है। अगर मैं आपको दिखाऊँ, आप देख सकते हो 1.2 RXL वाला जो वेरिएंट है, शायद इसमें आपको पावर विंडोज़ भी नहीं मिलेगी, नहीं पावर विंडोज़ भी नहीं है इसमें, तो इसको देखने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। अब आता है 1.0 का ही जो आर एक्स टी का जो ऑप्शनल वेरियंट आता है, सो वो भी हम लोग एक बार चेक करते हैं। सो वो भी RX अगर हम लोग चेक करें तो यहाँ पर आपको जो है नया जो 2018 में आपको यहाँ पर सेंट्रल लॉकिंग और साथ में पावर विंडोज़ ऐड की गई है, जो कि पहले नहीं आता था। RX 2 ऑप्शनल का अगर कोलकाता में हम लोग ऑन रोड प्राइस लगा ले तो 4,56,000 का आपको यहाँ पर जो है मिल रहा है RX 2 ऑप्शनल में। RX 2 एडिशन की बात करें तो वही सेम टू सेम चीज़ें आपको RX 2 में देखने को मिलेगा, शायद साइड की तरफ जो ग्राफिक्स है वो ऐड हो जाएगा और कुछ ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। सो RX 2 एडिशन में भी आपको मतलब कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। तो RX 2 एडिशन का अगर आप मेरे से प्राइस पूछे तो RX 2 एडिशन का जो कोलकाता में ऑन रोड प्राइस है वो है 4,59,000। अब आ जाते हैं टॉप एंड वेरिएंट जो कि है 1.0 RXT एडिशन, जैसा कि मैंने बताया आपको RXT ऑप्शनल मैंने अब तक बताया, आप बता रहा हूँ टॉप एंड वेरियंट। हाँ अभी सिंपल के अंदर टॉप एंड वेरिएंट RX एडिशन जिसका प्राइस कोलकाता के अंदर जॉन रोड खड़ा होकर आ रहा है वो है 4,85,000। पहले 4,80,000 आपको ऑन रोड पड़ रहा था, पर फेसलिफ्ट निकल के बाद 5,000 रुपये ज़्यादा महंगा हो गया गाड़ी। तो इसमें आपको सब कुछ मिलेगा, फ्रंट में पावर विंडोज़ और एयरबैग वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा इसमें नहीं, पर ऑप्शनल वाला जो वेरियंट है उसमें आपको एयरबैग मिलेगा ड्राइवर साइड। सो ये एक अच्छी चीज़ है। तो अब आ जाते हैं एकदम टॉप एंड वेरिएंट में जो कि हमारा क्लाइंबर 1.0 है। क्लाइंबर 1.0 का अगर हम लोग ऑन रोड प्राइस यहाँ पर लगा के चले तो वो है 5,09,000, जो कि बहुत महंगा है इस गाड़ी के ऊपर। तो क्लाइंबर अगर लेना है तो अब ले सकते हैं, पर कुछ ज़्यादा जो है सेंस नहीं बनता क्लाइंबर ख़रीदने का। अगर आपको पसंद है क्लाइंबर दिखने में अच्छा है तो आप ले सकते हैं। साथ ही साथ में और भी कुछ चीज़ें आती हैं, कैप्टन अमेरिका का एक एडिशन आता है जो कि दिखने में कुछ ऐसा आपको मिलेगा जैसे कि आप देख पा रहे हो, बढ़िया है यार दिखने में कैप्टन अमेरिका वाला डिज़ाइन, मेरे को काफ़ी अच्छा लगा कैप्टन अमेरिका वाला डिज़ाइन। साथ ही साथ में और एक जो आता है वो आता है आयरन मैन वाला डिज़ाइन, आयरन मैन, तो मैं आयरन मैन वाला भी आपको दिखाऊँगा आज, सब कुछ दिखाऊँगा यार। तो ये रहा आयरन मैन वाला डिज़ाइन जो कि दिखने में ये मेरे को सबसे बेस्टेस्ट लगता है। इसके व्हील्स को तो देखो यार कितने बढ़िया अलॉय व्हील्स लगते हैं साइड से देखने में। तो बस दोस्तों यही थे कुछ रेनॉल्ट क्विड्स के वेरिएंट्स, कुछ ऑन रोड प्राइस। तो मैं अगर आपको मार्वल के कैप्टन अमेरिका एडिशन का प्राइस बताऊँ तो वो कुछ ज़्यादा प्राइस नहीं है कैप्टन अमेरिका वेरियंट का, वो सिर्फ 5,00,000 रुपये में आपको मिलेगा क्लाइंबर से भी कम प्राइस में। और अगर आयरन मैन वाला मैं बताऊँ तो आयरन मैन वाले में आपको यहाँ पर मिल सकता है, वो भी सेम प्राइस में ही आपको मिलेगा 5,00,000 रुपये के अंदर अंदर आपको कोलकाता में 5,00,000 रुपये में ही आपको जो है ये वाला वेरिएंट भी मिल जाएगा। अब AMT की बात करें तो AMT इसमें बिल्कुल अच्छा नहीं है, तो आप AMT वाला वेरिएंट ना ले क्विड का। तो अगर लेना है तो मैं लास्ट आपको जो है एक बार AMT वाला देख के आपको बता देता हूँ ऑन रोड प्राइस AMT का कितना है। ऑन रोड प्राइस AMT का है 5,00,000 रुपये और क्लाइंबर के अंदर जो ऑन रोड प्राइस निकल के आता है AMT का ऑन रोड कोलकाता 5,41,000 रुपये, यानी कि 5,41,000, जो कि एकदम ही वैल्यू फॉर मनी नहीं है। अगर लेना है तो फिर भी आप RX T वाला वेरिएंट ले लो, मतलब AMT के अंदर, पर इसमें ना लो। सो ओवरऑल रेनॉल्ट क्विड बहुत बढ़िया गाड़ी है, पर कुछ चीज़ें इस गाड़ी की एकदम मेरे को जो है अच्छी नहीं लगती, जो चीज़ें मेरे को एकदम बुरी लगती है इस गाड़ी के ऊपर वो है इसकी बिल्ड क्वालिटी बुरी लगती है। रेनॉल्ट का आफ्टर सेल सर्विस उतना अच्छा नहीं है मारुति सुजुकी की तरह, और साथ ही साथ में जो गाड़ी का मतलब इंजन परफॉर्मेंस है वो भी इतना अच्छा नहीं है। बाकी गाड़ी वैल्यू फॉर मनी है, आप ज़रूर से इसको ले सकते हो। सो गुड गाइस, गुड बाय, इट्स मानशु साइनिंग आउट। एंड प्लीज़ आप लोगों के इंस्टाग्राम के जो रिक्वेस्ट है उसकी वजह से ही मैंने जो है वीडियो आज बनाया हो। गुड बाय।